जब धारा 370 भी समाप्त हो चुकी है और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन चुका है। आजादी के बाद ये पहला चुनाव है जब ये दोनों मुद्दे जो उलझे हुए सवाल थे, देश के विकास को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। त्योतर विधानसभा में आज कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी रहे मौजूद। वहीं डिप्टी सीएम ने फूंका कार्यकर्ताओं ने जीत का मंत्र। लोकसभा चुनाव की तारीख निर्धारित होते ही भाजपा पार्टी ने कमर कस ली है। वही आज त्योतर विधानसभा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। इस दौरान भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी रहे मौजूद। उत्साह से भरा हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, जब धारा 370 भी समाप्त हो चुकी है और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन चुका है। आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जब ये दोनों मुद्दे जो उलझे हुए सवाल थे, देश के विकास को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, देश के विकास को प्रभावित कर रहे थे, उन दोनों मुद्दों को समाप्त करके उस पर विजय प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है और इस बार मोदी जी को प्रचंड वोटों से अपने अपने क्षेत्र से जिताकर और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो जाए, इसके लिए मेहनत कर रहा है। औद्योगिक क्रांति आए, देश में हरित क्रांति आए, देश में पर्यटन की क्रांति आए, ये सारी क्रांतियों को जमीन पर बिठाने का काम तीसरे कार्यकाल में होगा, ऐसा हम भी मानते हैं। देश में रहने वाले भारतीय तो मानते ही, जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी ये मानते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश बन जाए। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव। डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष तक, लोगों के घर घर तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाभार्थी दीर्घायु मूलक योजना के बारे बताने की अपील की। साथ ही रीवा लोकसभा सीट पूरे देश में नंबर वन बनाती है। वही आज डिप्टी सीएम के हाथों द्योथा नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विद्यासागर शुक्ला के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद एवं उनके प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह मजरू ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पार्षद के सदस्यता पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह भाजपा परिवार है, यहाँ सबका स्वागत है, हमारे पास जो भी आता है हम उसे गले मिलाते हैं और अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। ऐसा सिर्फ हमारे भाजपा परिवार में ही संभव है। जनपद सदस्य पूर्व प्रतिनिधि संजय गुप्ता जी सोहागी के यहाँ उपस्थित है, उनके भी आग्रह है। संजय जी अगर यहाँ हो तो मंच पर आ जाए। त्योतर से आशुतोष शुक्ला की खास रिपोर्ट। लेकिन जब राम लला के दर्शन करने जाएंगे, जब हम राम लला के दर्शन करने जाएंगे तो अगर हम 1 लाख पार करके जाएंगे तो अलग उत्साह रहेगा कि नहीं रहेगा? अलग उत्साह रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप सब तैयार हैं?